वेलकम टू जियो हिंदी के लिए एक दबाएं करने और प्रशिक्षण के लिए रिकॉर्ड किया जा सकता है और इसकी निगरानी की जा सकती है। कृपया इस कॉल के बाद 5 के पैमाने पर जियो केयर के साथ अपने अनुभव को रेट कीजिए, जहां 1 स्टार का मतलब खराब और 5 स्टार का मतलब उत्तम है। नमस्कार जियो केयर में आपका स्वागत है। मैं निकिता आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? नमस्कार नमस्कार मैडम, क्या नाम बताइए अपना? निकिता। निकिता जी शुक्रिया, सही सलामत है ना आप लोग? बिल्कुल सर, आप कैसे? हम भी ठीक हैं। नहीं, इधर चिंता बिहार में एक हवा फैल गया है ना कि कस्टमर केयर वालों को पता नहीं क्या हो गया, मर गए सारे, क्या पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। बिहार में गोपालगंज में ये पूरे हालात चल रहा है, तो परेशानी हो रही है सर इंटरनेट चलाने में। सर सुनिए ना मैडम, ये पूरा इधर हल्ला हो गया है, मतलब पूरा नहीं होता है, ये ऐसा फैल गया है कि कस्टमर केयर वाले जियो वाले मर गए हैं सब, कोई फोन उठा नहीं रहा है। जानती हैं कितनी देर में मेरी बात हुई आपसे? सर समझ पा रहे हैं, बजे से सुन लीजिए मेरी भी, सुबह 7 बजे से कॉल लगा रहा हूँ, तो 1 घंटे लगाते लगाते 7 से 8 तक लगाया, 8 से 9 लगाया, उसके बाद थक हार के अभी 20 मिनट में आपसे बात हुई है। 20 मिनट आपकी एक बोरिंग टोन 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 सुनने के बाद आपकी कॉल लगी है। कितनी व्यस्त आप लोग रहते हैं, कितना कस्टमर केयर बैठा है वहाँ पे? तो वो तो हमारे पास भी इसके रिलेटेड कोई भी डिटेल्स नहीं रहती है। नहीं रहती है ना डिटेल्स? तो ये फोन क्यों बजता है आधे घंटे, बताइए किस पब्लिक के, किस आपके ग्राहक के पास इतना समय है कि 2 घंटा आपके दुकान पे खड़ा होके आपसे सामान लेने के लिए, आपसे सलाह लेने के लिए, किस ग्राहक के पास इतना टाइम है बताइए? सर समझ पा रहे, बट सर वो सारे कंपनी की प्रोसेस रहती है सर, उसके रिलेटेड हमारे पास कोई जानकारी नहीं रहती। अभी जैसे ही आपका कॉल आया मेरे पास, मैंने रिसीव कर लिया सर। अच्छा ठीक है, तो आपको जो इसके बारे में जानकारी नहीं है तो मैं मुकेश अंबानी जी से बात करना चाहता हूँ, कराएंगे आप मेरा बात? उनके पास उनका कॉन्टेक्ट तो हमारे पास भी नहीं है सर। अच्छा उनका कॉन्टेक्ट आपके पास भी नहीं है, आपको व्यवस्था करके हमको देना होगा। नहीं मैडम, मेरी भी बात सुनिए पहले, अपनी बात बाद में कहिएगा, पहले मेरी बात सुन लीजिए उसके बाद अपनी बात कहिएगा। मुझे उनका नंबर कहीं से प्रोवाइड कराइए, मेरी शिकायत अगली बार भी हमने शिकायत किया था, हम आज 3 साल से जियो के ग्राहक हैं, 6 महीना पहले भी शिकायत किए थे कि यहाँ का नेटवर्क सही नहीं चलता है। ये बताइए आजकल के 4G जमाना में आप 1G का स्पीड दीजिएगा, इससे अच्छा तो लैंडलाइन था, उस पर बढ़िया इंटरनेट सर्विस मिल जाता था। आज हम चेक किए हैं रात में आपका, 2 बजे रात में, जो बीती रात में 2 बजे रात में मेरा 1 Mbps का स्पीड आया है, बाकी उसके बाद से ये किलोबाइट्स में, KBS में, यानी KBS में स्पीड है आपका। इसका उत्तरदायित्व तो कौन होगा इसके बताइए आप, कौन जिम्मेवारी लेगा? पैसा क्या फ्री में आता है? पैसा आप फ्री में आता है? 300 रुपया, 298 रुपया का भरवाया जा रहा है, 599 का भरवाया जा रहा है, 3 महीना किस लिए भरवाया जा रहा है मेरा, आप बताइए। अगर किसी दिन अगर 2 GB से मैं 1 MB ज्यादा नहीं लोड कर पा रहा हूँ, और जब टावर नहीं रहता है इसमें, जब नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, तो आपका कंप्यूटर समझाता है ये सेटिंग कीजिए वो सेटिंग कीजिए, मोबाइल चलाता है क्या, मूर्ख बैठा है? 20-20 हजार, 25-25 हजार का मोबाइल लेकर लोग मूर्ख बैठा है? ये दिया जाता है तर्क दिया जाता है आपके कंप्यूटर द्वारा, क्या बोला जाता है कि नेटवर्क पे लोड बढ़ जाने के कारण। आप मैडम बताइए, घर में अगर चार हो, 2-4 बच्चे और पैदा हो जाए, तो क्या हम अपना घर नहीं बढ़ाएंगे? सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सुन पा रही हूँ सर। ये आप लोग क्यों नहीं सलाह देते हैं कि कस्टमर से ऐसे ऐसे शिकायत आ रही है कि आप लोग बस आए ड्यूटी किए, हेलो क्या कमी है सर पूछेंगे, सांत्वना देंगे, अपनी बस सैलरी लेंगे जाएंगे, कस्टमर की कोई बात नहीं सुनेंगे आप लोग? आप बताइए इसके लिए हम कहाँ जाएं ताकि मेरा ये सोल्यूशन हो, कंज्यूमर कोर्ट जाएं या मुकेश अंबानी के पास जाएं? किधर जाएं, आपके पास तो नंबर भी नहीं है मुकेश अंबानी का, उनके कंपनी में काम कर रही हैं आप।
उनका नंबर थोड़ी ना रहता है सर हमारे पास। मैं बात करूंगा मुकेश अंबानी से, पैसा ऐसा बहुत ज्यादा इश्यू फेस कर रहे हैं सर, उनका नंबर नहीं, बट आपको हमारे सीनियर से बात करनी हो तो मैं करवा सकती हूँ। आपकी जैसे ही रटी रटाई, सीनियर भी आपके जैसे रटी रटाई बातें बोल देंगे कि मेरे पास भी नहीं है। जब आप लोग के पास नहीं है तो बताइए कस्टमर कहाँ जाएगा। आप लोग 3 घंटा से, तो पहले आपका कॉल लगाने में 3 घंटा लग गया। मुकेश अंबानी इतना पैसा वाला आदमी है, 10 आदमी और नहीं बढ़ा सकते हैं, 20 आदमी और नहीं बढ़ा सकते हैं, 5 आदमी बैठा दिए हैं, 25 करोड़ सिम बांट दिए हैं, कहाँ से आएगा इतना। कस्टमर कॉल करेगा कोई समाधान, उसको समाधान कराना हो, समस्या हो किसी कस्टमर को, तो कहाँ जाएगा बताइए। जानते हैं जियो को लोग क्या कर रहे हैं, जियो नहीं फेकियो, जियो का नाम इधर रख दिया है, फेकियो, ठीक है। 4G का स्पीड दे रहे हैं, ये देंगे, फाइबर ऑप्टिकल बैठाएंगे, कुछ नहीं बैठा रहे हैं, जो उनका है वो तो चल ही नहीं रहा है बढ़िया से। बताइए सीनियर के बात कराइए सीनियर से, देखिए क्या बोलते हैं। 6 महीना पहले हम शिकायत किए थे कि इस क्षेत्र में आके देखिए आपको ज्यादा लोड है सर, इधर यहाँ का जो TM और CM आपका क्या क्या होता है, कोई वर्क करता है इधर, ये भी आप लोग के जैसे आके बैठ के सैलरी लेके चले जाते हैं हर महीना, किसी को चिंता नहीं है। 2 मंजिल मेरा मकान है, 2 मंजिल के ऊपर, यहाँ से 600 मीटर मेरा टावर है जियो का, फिर भी टावर 1 KBPS का स्पीड दे रहा है, 0.0 KBPS का स्पीड दे रहा है, बाइट्स में दे रहा है, किलो बाइट्स में, बताइए। कॉल ट्रांसफर कर देती हूँ सर, प्लीज लाइन करिए। नमस्कार, आपकी बात त्रिवेणी से हो रही है। नमस्कार, सीनियर है आप उनसे? यस सर, बताइए। जी 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 जी, तो ऐसे आपका 1 घंटे में लगभग 500-600 आ जाता होगा ना, मैं 2-3 घंटे से ये कॉल लगाया तो आपके पास पहुंचा हूं। मेरी तो पैसे की कोई वैल्यू नहीं ना, हम खाली बैठे हैं ना, आपके कस्टमर हैं, खाली बैठे हुए हैं हम। अच्छा नहीं होता है सर। हाँ ऐसा नहीं होता है सर, आप हमारे मूल्यवान, मेरा रिपोर्ट निकाल के देखिए मेरे से, मैंने 2 घंटा फुल ट्राई किया है, बताइए। अगर हम भी अगर 200 रुपए घंटा कमा रहे होते तो 400 रुपए गया ना मेरा, 400 गया प्लस 598 रुपए का ये जा रहा है मेरा हर बार का रिचार्ज में। ये आपका 4G लेने से मेरे को फायदा क्या, आप ये बताइए कितना 4G का स्पीड होना चाहिए मैडम, सही से बताइए आप, बताइए 4G का स्पीड आप लोग कितना दे रहे हैं। अब हम सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे आप लोगों को, बताइए 4G मुकेश अंबानी जी कितना स्पीड देते हैं एक कस्टमर को, MBPS में देते हैं, KBPS में देते हैं, GBPS में देते हैं, हमको बताइए आप थोड़ा सा। हाँ सर, मैं बताना चाहूंगी सर कि डेटा की जो स्पीड है ना वो इंक्रीज होती है, सिग्निफिकेंटली कंपेयर होता है 3G अप टू जो है ना 10 MB जो है, मतलब कि 10 times faster जो एडिटिंग जो है ना 3G नेटवर्क से ज्यादा मिलता है, यानी 3G नेटवर्क से 4G का नहीं बोलता। सुनिए आप मेरी बात समझिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ उसको हमको समझाइए, बढ़िया से समझाइए, आई ने जो रटा रटा तोते के जैसे नहीं बोलना है, मेरी बात सुनिए पहले, कितना MBPS देते हैं, 10 MBPS से सर जो है ना, 3G से आपने 10 MBPS बोला है ना, नहीं हाँ 3G नेटवर्क से 4G नेटवर्क जो है ना वो 10 गुना ज्यादा होता है सर, 10 गुना, यानी गुना मैंने नहीं पूछा, मैं गुना भाग करने नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, आपकी स्पीड क्या है ये बताइए, जियो की स्पीड इंटरनेट की जो है एवरेज नेटवर्क जो है ना डिवाइस की जो स्पीड है डाउनलोड करने के लिए जब कनेक्ट होता है ना, हाँ। तो वहाँ पे अप टू जो है 10 MBPS की स्पीड मिलती है, अपलोड करने के लिए अप टू 2.5 MBPS की स्पीड मिलती है एवरेज जो है। हाँ। अभी आप MBPS में बात कर रही हैं, मैं आप अपने TM को भेजिए मेरे घर पे, जो TM होता है ना, TM के ऊपर क्या GM होते हैं, यहाँ होते हैं ना हर सर्किल में होते हैं, मैं यहाँ टावर से 600 मीटर की दूरी पे हूँ, आपका जो टावर गड़ा हुआ है जहाँ पे 600 मीटर की दूरी पे हूँ, यहाँ से कूद भी जाऊँ तो मैं टावर पे पहुंच जाऊंगा, अगर उतना शक्ति होता मैं टावर पे कूदने वाला होता ना तो अपने छत से कूद के टावर पे पहुंच जाऊंगा मैं, फिर भी मेरे पास 15 KBPS का स्पीड आ रहा है, 15 KBPS, 6 KBPS, 3 KBPS, MBPS तो हम देख ही नहीं रहे हैं कभी, देखे हैं रात में, देखे 2 बजे रात तक जगे हैं तो मेरे पे आज 1 MBPS का स्पीड रात में 2 बजे आया है, ऐसा क्यों है, आप रात में कौन चलाएगा आपका, 2 GB रोज दे रही है क्या, किस काम के लिए मेरे घर बताइए,
दो बोरा चावल दे दीजिए, बनाने के लिए गैस नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, चावल खा लूंगा। मेरी बात आप मुकेश अंबानी जी से करवाइए। कुछ नहीं है आप लोगों, तो सबसे पहला आपका शिकायत ये है कि आपके पास 3 घंटा कौन समय लेके बात करेगा आपसे, बताइए किसके पास इतना समय है 3 घंटा कि कोई हमारा समस्या हो तो आपके पास 3 घंटा में हम जाके बात करेंगे। 3 घंटा टोंटाए आपका सुन रहे हैं हम, बोरिंग रिंग टोन बजा दे रहे उधर से टोंटाए कर रहा है, 3 घंटे के बाद आपको कॉल लग रहा है। क्या कस्टमर क्या करेगा बताइए, आप अगर एक दुकान खोली होती किराने की, कौन कस्टमर आपके दुकान पे आके 3 घंटा खड़ा होके 1 किलो चीनी लेगा बताइए, कोई लेगा? समझ पा पा रही है ना, ये 6 महीना पहले ये कंप्लेन किए थे, वही बात है। हमने पोर्ट का सोच लिया है कि आज पोर्ट कराएंगे, लेकिन पोर्ट कराने से पहले सोचे कि नहीं ये बात मुकेश अंबानी जी तक पहुंच जाना चाहिए, ताकि उन्होंने देखे कि क्या हमारे टीएम कर रहे हैं, क्या हमारी टीम कर रही है, उनकी टीम क्या वर्क कर रही है, बस सैलरी लेना जान रही है, चूना लगा रही है उनको मुकेश अंबानी को। आप गोपालगंज लिखिए, गोपालगंज में सांसा मूसा ये कंप्लेन बनाइए, दर्ज कीजिए, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये मेरा 600 रुपया जा रहा है 3 महीने में, आप जान रही है कहां से आता है पैसा, हम लोग पसीना से कमाने वाले हैं, बैठ के एसी में कमाने वाले नहीं है, धूप में कमाते हैं हम लोग, ये पैसा बर्बाद चला जाए। आपका 2 GB से अगर एक दिन ज्यादा हो गया ना, 2 GB 1 MB हो जाएगा तो आप लोग नहीं देते हैं कि आपका कोटा खत्म हो गया, 1 GB खत्म कर दिया, आप लोग 1 GB के बाद से मैसेज देने लगते हैं कि आपने इतना खा गया, आपका आपने डेटा इतना खा लिया है, बस आप इतना यूज कर सकते हैं, तो हमारा जो डेटा व्यर्थ जा रहा है उसका जिम्मेवार कौन है बताइए हमको, मेरे प्रश्न का जवाब हो तो आप दीजिए, इसीलिए आप लोग बैठे हैं वहां पे, नहीं तो ऐसा कंप्लेन बनाइए कि इधर का टीएम और जीएम जो जियो केयर में इधर भी बैठे हैं ना, जियो का जो शोरूम बड़ा बड़ा खोल के, वो सस्पेंड होने चाहिए, वो कर क्या रहे हैं यहाँ पे, जिस पब्लिक को नहीं मिल रही है बढ़िया से फैसिलिटीज, कैसे जियो पे कोई भरोसा करेगा? अगर देखिए मैडम यही बात देखिए, जब नया नया जियो ने लॉन्च किया था, 1 साल जब फ्री चला था ना, उस समय तो इतना तेज स्पीड मिला था आदमी अट्रैक्ट हो गया आपकी तरफ, लोग एयरटेल छोड़ छोड़ के, मैंने घर भर सबको जियो डलवा दिया हर मोबाइल में, हाँ अभी देखिए जियो की स्पीड 1 MBPS 10 MB बोल रही है, 1 MBPS भी नहीं मिल रहा है, 1 KBPS का कौन सा स्पीड है, इससे बढ़िया तो हम लोग 2G चला रहे थे एयरटेल का जब था तो, नहीं बोल पाएंगे आप इस पे कुछ। अब मैं आपको बता जाऊंगी कि नेटवर्क जो है ना आपकी डिवाइस के साथ में 1 वेव होता है, लेटेंसी 50 जो है बिलो एक्सपेक्टेड होता है, और डिलीवरिंग होता है मोबाइल जो ब्रॉडबैंड के साथ में रिस्पॉन्सिवनेस होता है इक्विवेलेंट जो है वायरलाइन कनेक्शन के साथ में, तो वहाँ पे आपका जो है आपके फोन के अंदर ज्यादा मात्रा में जो भी आप एप्लीकेशन को यूज करते हो ना सर, तो वहाँ पे नेटवर्क का जो है हाई रेजोल्यूशन का मल्टीमीडिया के साथ में होता है वीडियो कॉल, 1 MB हाई रेजोल्यूशन बता रही है ना, फेसबुक नहीं चल पाता है यहाँ पे, फेसबुक नहीं चल पाता है, ब्राउजिंग नहीं हो पाता है बोल रही है, कोई यूट्यूब पर वीडियो नहीं देख सकता है, बफिंग करने लगता है, ये कौन सा 1 MBPS भी स्पीड आप लोग देते ना, 1 MBPS भी तो बहुत बढ़िया था हम लोग के लिए, लेकिन आपके नेटवर्क से टावर से तो 1 MBPS नहीं आ रहा है, घर पे 600 मीटर दूरी पे है टावर यहाँ से, तो बताइए कहाँ जाए हम लोग, धरती में घुस जाए टावर के लिए, फाइबर ऑप्टिकल में समुद्र में जाए उनका फाइबर ऑप्टिकल काम करेगा, किस काम का है उनका फाइबर ऑप्टिकल, पहले आप लोग टीएम जीएम को सही कीजिए, ये लोग पैसा खा रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं लोग जनता को, जियो को डुबा देंगे ये लोग, ये जान जाइए, कंप्लेन लिखिए आप यहाँ का, इस टीएम और जीएम के खिलाफ कंप्लेन लिखिए, ये नहीं देख रहा है, कंप्लेन नंबर दीजिए मेरे को, आपकी जानकारी को हम चेक तो कर ले पहले सर जी, इंटरनेट चलाने में क्या दिक्कत आ रही है, बिल्कुल नहीं चला पा रहे, रुक रुक के चला रहा है, कुछ आराम से जा रहा है, देखिए रात 12 बजे के बाद मतलब 680-700 KBPS स्पीड होता है, ठीक है, उसके बाद से 1 MBPS होता है, दिन भर ये गायब रहता है, 12 से 3 बजे तक चलते है, 2 बजे से 1 बजे से 3 बजे तक आपका नेट चला है, आज मैंने पूरी रात आपका रिसर्च किया है, ठीक है, बीती रात में
ये कौन सा खेला बना दिए हैं बताइए, ये आप समझा रहे हैं, आपका कंप्यूटर बोल रहा है उधर से, जब हमने आपके पास कॉल लगाया तो बोल रहा है कि ज्यादा लोड होने के कारण, तो ज्यादा लोड आप दे रहे हैं, जब घर में ज्यादा लोड होगा तो बीम बढ़िया बनाना चाहिए ना, 10 मंजिल हम छत बना दे या बीम बना दे कमजोर तो घर रहेगा ना, तो इसीलिए ढह रहा है जियो। तो बोलिए उनको कि कम से कम यहाँ पे BTS बढ़ाए, BTS का पावर बढ़ाए, उस पर टावर पे ध्यान दिया जाए कि कितने कस्टमर कंज्यूमर चल रहा है इस टावर से, ये सब ध्यान देना नहीं है, बस दे दिए सिम बांट दिए पैसा टान लिए हो गया। कंप्लेन बनाइए, आप यहाँ के GM के खिलाफ कंप्लेन बनाइए, जो टावर देखता है उसको क्या बोलते हैं, टावर का जो निगरानी करता है। मैडम क्या नाम बताइए अपना? मेरा नाम त्रिवेणी है सर। त्रिवेणी क्या? त्रिवेणी मेरा नाम। जो भी हो, आप यहाँ के जो टावर देख रेख करता है, जिसके जिसको जिम्मेवारी हो यहाँ की टावर देखने की, इस जिले की, गोपालगंज जिले में सहरसा मुसा है, गोपालगंज से 10 किलोमीटर पश्चिम पड़ेगा ये, वहाँ पे एक टावर है सहरसा मुसा में, उसके खिलाफ आप कंप्लेन बनाइए। वो कर क्या रहा है कि कस्टमर को आप 10 KBPS का स्पीड दे रही हैं, उसके खिलाफ कंप्लेन बनाइए। मेरे को कंप्लेन नंबर दीजिए, हम कोर्ट में, कंज्यूमर कोर्ट में ले जाएंगे, मेरे रिटर्न चाहिए पैसा हर महीने का, जितना मेरा डाटा नहीं यूज हुआ है ना उतना मेरे रिटर्न चाहिए, हम कंज्यूमर कोर्ट जाएंगे, पैसा दे रहा है फ्री में थोड़ी है। आप कंप्लेन बनाइए, इसके खिलाफ कंप्लेन बनाइए, क्या नाम है, इसका नाम भी पता करेंगे यहाँ पे जाके, आप वहां से पता कीजिए पहले, हो सकता है आपसे पता है, हम पता करके उसके खिलाफ लिखा है कंप्लेन। मैडम आपको जो परेशानी हो रही है, IPL जो क्रिकेट मैच चल रहा है, दूर नहीं कर पाएगी, परेशानी दूर उसी तरह होगा जब कंप्लेन लिखित कंप्लेन होता है ना, तभी परेशानी दूर होती है। सर पहले जानकारी तो चेक करनी दीजिए सर, कंप्लेन आती है नहीं आती वो फिर चेक कर लेंगे। जी हाँ, ये बात आपने सही बोला, चेक कीजिए। अब मुझे बताइए IPL का जो क्रिकेट मैच चल रहा है वो समय दरमियान दिक्कत आ रही है आपको या फिर सभी समय दरमियान? क्रिकेट, हम क्रिकेट, हमको YouTube देखना है, क्रिकेट छोड़िए, क्रिकेट नहीं, ऐसा नहीं मैं बोली, मैं आपको जो बोल रही हूँ वो समझने का प्रयास करिए। क्रिकेट देखता ही नहीं हूँ मैडम। ऐसा नहीं मैंने पूछा सर, IPL जो क्रिकेट मैच चल रहा है उसका समय है मंडे टू फ्राइडे 7:30 to 11:59, सैटरडे टू संडे 3:30 to 11:59, ये समय दरमियान दिक्कत हो रही है या फिर सभी समय से दिक्कत आ रही है? मैं फॉरेन कंट्री भी रह के आया हूँ, वहाँ भी बहुत चीज चलता है, लेकिन नेट पे दबता नहीं है कोई, हम देख रहे हैं कि हमारी बस में अगर 55 सवारियों की जगह है और उस पर हम 110 ला देंगे तो उसके लिए हमको एक और बस एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा वहाँ पे, एक ही बस में कैसे ठूस ठूस के जाएगा कोई? तो क्रिकेट मैच चल रहा है, आपको पता होना चाहिए, तो तैयारी करना चाहिए ना। क्रिकेट मैच आपको पता है, मुकेश अंबानी जी को तो पता होगा ना कि क्रिकेट हो रहा है तो लोग देखेंगे, तो उसका तो तैयारी करना चाहिए ना था उनको, कि बस ऐसे कैसे कोई क्रिकेट में देख लेगा, कि आप लोग केवल क्रिकेट पे फोकस किए हैं, बाकी और जो अदर मतलब और ग्राहक जो है बस कुछ नहीं देखे, क्रिकेट वाले पे फोकस डाल दो, क्रिकेट ही देखेगा कोई, बाकी कोई कुछ नहीं देखेगा, अपना 2 GB का ऐसे बस भाड़ में गया उसका 2 GB रोज का। तो ये बनाइए इसके खिलाफ कंप्लेन, या देखिए आप, मैं सत्य बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ, बोलिए तो अभी आपको बताता हूँ कि क्या स्पीड दे रहा है, मेरे मोबाइल में बता रहा है, देखिए 12 KBPS का स्पीड आ रहा है, 12 KBPS तो आप हमसे, हम नेट पे कनेक्ट है आपसे, बताइए 12 KBPS में आप क्या चला सकती हैं, बताइए। एकदम परेशानी है, हम अब इसको पोर्टिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन चाह रहे हैं कि अब हम क्या बताएं, जियो से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन ये हमको जियो देख रहे हैं कि बर्बाद कर रहा है। तो जहाँ से आपको दिक्कत आ रही है वही लोकेशन से आपने कॉल किया हुआ है? हाँ, उसी लोकेशन से, मेरी लोकेशन देखिए, जो लोकेशन बता रहा हो, इस जो टावर का देख रेख रहता है उसके खिलाफ आप कंप्लेन बनाइए, यही लोकेशन है मेरा। आप कंप्लेन लिखवाना चाहते हो ना सर? एकदम इसके खिलाफ लिखवाना चाहते हैं, चोर है ये, जो यहाँ देख रेख में रहता है ना वो भी बस ऑफिस में बैठता है चला जाता है, कुछ काम नहीं, वर्क नहीं कर रहा है।
इसको वर्क करना चाहिए ना, ये देख रेख में रहता उसके पास होगा ना जियो का सिम, आके अपना देखता कि मेरी रेंज कहाँ तक आ रही है, मेरे ग्राहकों की रेंज कहाँ तक मिल रही है, क्या स्पीड मिल रही है। ये लोग वर्क कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिम धड़ाधड़ बेचे जाओ, सिम बेचे जाओ, यही तो कर रहे हैं लोग। बस कंपनी का दबाव है कि सिम बेचो सिम बेचो सिम बेचो, ग्राहक की सुविधा ना बढ़ाओ। देखिए मेरा, अगर आप देख रही, अगर आप देख पा रही हो यहाँ की स्पीड आप देख पा रही हो वहां पे, तो सही सही बताइए क्या स्पीड निकल रहा है यहाँ से टावर से। टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप देखिए, देखिए 0.18 के बीपीएस में आ जाए, 0.18 के बीपीएस आ रहा है, यानी कि 1 byte से भी आपका वन कैरेक्टर से भी नीचे चला गया है स्पीड। अभी आप देखिए थोड़ा सा, आपका जो कंसर्न है मैं यहाँ पे नोट कर लेती हूँ, जिसका सेल सिटेशन नंबर आपको इसमें ग्लास सेंड किया जाएगा। हाँ। इसका बड़ा आपको प्रोवाइड किया जाएगा 48 घंटे के अंदर से। किस से जाएगा? मैं समझ नहीं, थोड़ा सा थोड़ा बढ़िया। आपका जो कंसर्न है मैं यहाँ पे नोट कर लेती हूँ, जिसका सेल सिटेशन नंबर आपको इसमें ग्लास सेंड किया जाएगा, जिसका बड़ा आपको प्रोवाइड किया जाएगा 48 घंटे के अंदर से। जी तो मैम, ये मैं थोड़ा सा अगर चाहूँ, ये आपका जो कम्प्लेन है, इस कंप्लेन के माध्यम से हम उपभोक्ता फोरम में जाना चाहें तो जा सकते हैं ना, थोड़ा सा राय दीजिएगा। आप जाना चाहते हैं तो हम आपको मना भी नहीं कर सकते, बताइए मेरे को, ताकि आपको बता भी नहीं सकते आप जाओ। नहीं नहीं, मैं सोचा हूँ ना, मैं सोचा हूँ मुकेश अंबानी से केस लड़ूंगा। कोई भी दो एप्लीकेशन का नाम बताइए जिसमें आपको ज्यादा मात्रा में दिक्कत आ रही है, जैसे कि यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है। फेसबुक फेसबुक पे दिक्कत आता है, यूट्यूब पे दिक्कत आता है, फेसबुक यूट्यूब और कुछ बहुत बहुत से ब्राउजरे हैं जो नहीं चल पाती है। जानकारी चेक करें, थोड़ी समय लग रहा है, क्या मैं आपकी कॉल को 1 मिनट के लिए होल्ड कर सकती हूँ? मैं आपकी कंप्लेंट लिख रही हूँ जी, सिर्फ 1 मिनट के लिए। जी जी जी, देखिए सर जी, आधी इन्फॉर्मेशन जो बाकी रह गई थी मुझे बता दीजिए, मैं आपसे क्या थी, मैंने आपका ज्यादा समय बोल ले लिया। नहीं, मेरी समस्या यही है जो मैंने आपसे बोला, मैंने थोड़ा तेज लहजे में बोला है आपसे, लेकिन मेरे दिल में जो खीज है ना, खीज बोलते हैं हम लोग भोजपुरी में, खीज कहते हैं, खीज बरता, पता ना भोजपुरी समझ रही है कि नहीं, तो इतना ना खीज बढ़ रहा है। अगर भोजपुरी समझ रही हो तो मैं अपने और दोस्तों, मतलब ये दोस्तों को भेजूंगा ना आपकी सब रिकॉर्डिंग जो मैंने बात की है, इसको फेसबुक पर वायरल करेंगे हम, तो ये सब भेजेंगे ना, ताकि यहाँ के करतूत पता चले, यहाँ का जो TMGM है उसको भी पता चले, इसको फेसबुक पे हम वायरल करेंगे। हाँ जी, हाँ मुझे बताइए जी, आपका जो है नजदीक में लैंडमार्क कौन सा है सर? लैंडमार्क यहाँ पे पवन टाकीज, NH 28 लिखिए, पवन टाकीज, मेरा नंबर दीजिए, मेरे से GM आकर समझ में नहीं, लैंडमार्क मुझे बताइए नजदीक, लैंडमार्क पवन टाकीज, पवन टाकीज, पवन पवन, हाँ बस उसके बाद में पौन टाकीज सासा मूसा टाकीज टाकीज टॉकीज जी 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 टॉकीज ओके। और सिटी कौन सी आपकी जी? सिटी सिटी कौन सी है? सिटी सासा मूसा जी, जिला गोपालगंज। ओके, गांव कौन सा आपका? गांव है सिरिसिया बोलता है ये, सिरिसिया बाबू टोला के नाम से जाना जाता है। सिरिसिया सिरिसिया SIRISIYA सिरिसिया, बस इतना ही लिखिए ना, काफी है। आपका अल्टरनेट नंबर सही या गलत है मुझे बताइएगा, अल्टरनेट नंबर मतलब सर दूसरा नंबर, ठीक है दूसरा बताइए जी। हाँ। अल्टरनेट नंबर दे आपको 9973482688 सही है? जी 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 एकदम बिल्कुल सही है। ओके, आपका जो हैंडसेट है जैसे कि मैं चेक कर पा रही हूँ, Realme 6 है, OPPO RM1 ओप्पो नहीं, रियलमी आ रहा होगा आपको, ओप्पो जो है ना सर, फोन आपका ओप्पो का है मगर ब्रांड उसकी रियलमी है सर, ब्रांड रियलमी है, चलिए कोई बात नहीं, मेरा EMI वगैरह सब तो आपको गया होगा वहाँ पे। ओप्पो रियलमी कौन सा है? 2 ना? नहीं, रियलमी 6 है। आपका जो फोन है ना सर वो ओप्पो का है,
मगर ब्रांच है वो रियलमी की, ठीक है? तो मतलब कि आपका जो हाँ फोन तो रियलमी बोला जाएगा, मगर वहाँ पे कुछ पूछा जाएगा ना तो ओप्पो बोलिएगा, याद रखिएगा। अच्छा ओप्पो बोलेंगे, हाँ फोन आपका ओप्पो का है। चलिए ठीक है, अब मैं आपकी कंप्लेंट को जो है 3 दिन से लिख सकती हूँ, आज से लिखूँ कल से भी परसों से लिखूँ मैं आपकी कंप्लेंट को? 3 दिन तक लगातार लिखिएगा आप ये कंप्लेंट। हाँ जी, ये मतलब तीन लगातार आप कंप्लेन करेंगी। अच्छा मैडम थोड़ा सा ये बताइए, कंप्लेन मैं कंप्लेन आपकी 3 दिन से लिख सकती हूँ, आज से लिखू कल से अभी परसों से लिखू कंप्लेन? फिर नंबर कैसे, मुझे आज नंबर दे दीजिएगा ना सर। मैं 3 दिन से लिखू सर, आज से कल से अभी परसों से, कब से लिखू आप मुझे बताइए। ये तो बहुत दिनों से है, कभी कभी सही रहता है, बाकी तो ये महीने में अगर 10 दिन सही रहा तो 20 दिन खराब चलता है। तो किस डेट से हम बताऊं, 6 महीना पहले एक बार कंप्लेन किए थे हम, वो कंप्लेन नंबर भी भूल गए। यहाँ की टावर की स्थिति खराब है सासामुसा में, आप इसको जांच कराइए ना आप, या लोड से खराब हो गया हो, या कोई चोरी कर रहा हो यहाँ पे टावर में, कुछ घपला कर रहा हो। यहाँ की जनता खुश नहीं है ये समझ लीजिए। सर मैं जो पूछ रही हूँ वो आप मुझे जवाब दे दीजिए ना पहले। आपकी कंप्लेन 3 दिन से लिखना चाहती हूँ, आज से, यस्टरडे से सर, या फिर उससे यस्टरडे से, कब से लिखो आप मुझे बताइए। तो आप 3 दिन बोल रहे हैं, आप 3 दिन बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ ये तो 3 महीना से आप लिख सकती हैं। ओके मैं परसों से लिख दे रही हूँ 2:54 PM को, ठीक है? अच्छा 5 दिन पहले से। हाँ चलिए 2 दिन पहले से, हाँ परसों से लिख रही हूँ। नहीं ये तो बस ये तो मेरी बात हुई नहीं, ये तो ये खाना पूर्ति हो रहा है, यहाँ प्रॉब्लम तो 6 महीने से है, उससे ऊपर से भी है। जब फ्री था तब तक सही था, जब फ्री था ना ये जियो, उसके बाद तो इतना ना स्पीड मिल रहा था कि हमारा तो मन तन तन सब कुछ हो गया था, जियो से दौड़ के पड़े थे हम लोग जियो के ऊपर, लाइन में लग के सिम लिए थे, क्या बताएं स्पीड के चलते। लेकिन आज ऐसा हो रहा है ना, जियो फेंकियो। तो ये आप 3 दिन से लिखेंगी तो ये बोलेगा 3 दिन में हाँ हमने देख लिया, जो अधिकारी है ऊपर का वो भी बच जाएगा, जो इसका रिलेटिव होगा अधिकारी ना वो भी बच जाएगा। इसको लिखिए आप बहुत दिनों से, ऐसे लिखिए 3 दिन से लिखेंगी तो ये अधिकारी यहाँ का बच जाएगा, उसको लिखिए बहुत दिनों से। आपकी जो कंसर्न है यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, मेरे पास भी रिकॉर्ड है, मैंने बोला है आपको कि बहुत दिनों से है, आप 3-5 दिन जो बोल रही हैं मैं ये नहीं मानूंगा। खैर वो बहुत दिनों से है वो नहीं पूछ रही थी मैं कंप्लेन आपकी 3 दिन से लिख सकती हूँ। आप बहुत दिनों से बोलोगे तो भी 3 दिन से लिख सकती हूँ, आप आज से बोलोगे तो भी मैं 3 दिन से लिख सकती हूँ। चलिए आपका जो रूल हो आप अपना रूल फॉलो कीजिए। कर देती हूँ सर जी, आपको ज्यादा दिन से परेशानी हो रही है सर, ठीक है? मेरे को ही नहीं पूरी इधर के जो आपका कस्टमर है ना, आपके दुकान में जो डाटा की आटा बोलते हैं इसको खरीदने जा रहा है ना, उसको परेशानी है। आप समझ जाइए मैडम, आजकल आटा नहीं आ रहा है घर में लेकिन डाटा खरीद रहे हैं हम लोग। हाँ ऐसा हो गया, नेट का नफा हो गया। ये मुकेश जी ने, मैडम मुकेश जी ने तो ये आदत पकड़ा दिया हम लोगों को, अब आदत पकड़ा के अब वो बहुत परेशानी में डाल रहे हैं। आपको जो दिक्कत आ रही है उसको सुधारने के लिए हम लोग बहुत पूरा प्रयत्न करेंगे। हाँ सुधारिए, मैं भी अपने स्तर से कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ के जो टावर संबंधी जो होते हैं ना देखरेख में उनके पास, उनसे हम संपर्क करने की उनकी नंबर लेने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए क्या होता है। अब मैंने तो इसे ठान लिया है कि इसको सही कराना है मेरे को, ये टावर यहीं बगल में टावर, यहाँ से 3 किलोमीटर पहले जो टावर है उस पर इतना अच्छा मतलब चलता है, वो उधर चले जाइए 3 किलोमीटर उधर, यहाँ से 3 किलोमीटर पूरब जाइए, इतना अच्छा चलता है पूछिए मत। ये क्या कर रहा है यहाँ पे, जब लोड बढ़ रहा है तो इसको देखना चाहिए ना कि भाई यहाँ पे हम और व्यवस्था करें BTS का इस पे टावर पे। इस चोर के खिलाफ शिकायत लिखवाना है मुझे, देखिए मैं कैसे लिखवाता हूँ। आपको जो दिक्कत आ रही है उसको सुधारने के लिए हम लोग वहाँ पे पूरा प्रयत्न करेंगे सर। मेरे को ही नहीं पूरी जनता को है। चलिए आप लिखिए, मेरे को ही लिखिए, मैं ही हूँ आगे, चलिए कोई बात नहीं। अभी कुछ आएगा सर?
जी नहीं, बस कंप्लेन नंबर चाहिए मेरे को, यही सहायता कर दी। बिल्कुल, वो आपको मैसेज के जरिए ऑलरेडी मिल चुका है। जी जी